morning, children. How are you all? Hope all are you fine and safe. Myself, your math teacher. Today, I am going to teach a math subject. In math subject, I will teach next exercise. आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी children? आज मैं आप लोग को pattern chapter की ही next exercise पढ़ाऊंगी. But उसको पढ़ाने से पहले जो आप लोग का previous class में homework गया था वो सारे children ने done कर लिया है. Very good. चलिए आप अपना answer हमारे answer से match करके देखिए एकदम same to same है कि नहीं. अगर कोई मिस्टेक होती है तो इस वीडियो के हेल्प से आप अपना आंसर फिर से करेक्ट करके अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा. तो आप लोग का होमवर्क क्या गया था चिल्ड्रन? आप लोग का होमवर्क गया था ये कंप्लीट द पैटर्न. कंप्लीट द पैटर्न का मतलब मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था. कंप्लीट द पैटर्न का मतलब होता है इस तरीके से नंबर दिया होता है और इस तरीके से डैश दिया होता है. इसको आप लोग को क्या करना रहता है? फिल करना रहता है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न. पैटर्न की हेल्प से आप लोग को यहाँ पे ये सारे नंबर को फिल करना रहता है. फर्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन 90, 80, 70 -. सबसे पहले मैंने आप लोग को ये बताया था कि देखना है कि क्या न्यूमरल्स बैकवर्ड है या नॉर्मल न्यूमरल्स है. तो यहाँ पे आप लोग बताइए बैकवर्ड गिनती है या नॉर्मल न्यूमरल्स है. वेरी गुड. यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है मतलब बैकवर्ड काउंटिंग में कंटिन्यू किया जा रहा है. तो अब आप लोग को क्या करना है? जहां पे उल्टी गिनती होती है वहां पे आप लोग को नंबर को माइनस करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. अब देखिए 90 में ऐसा क्या माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 80 आ जाएगा. 90 में 10 माइनस करेंगे तो 80 आएगा. 80 में 10 माइनस करेंगे तो 70 आएगा. 70 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा चिल्ड्रेन? 70 में 10 माइनस करेंगे तो 60 आएगा. तो यहाँ पे 60 राइट करेंगे. अब 60 में भी 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा. तो यहाँ पे कितना कितना नंबर की गैपिंग हो रही है? 10-10 नंबर की गैपिंग हो रही है. 10-10 नंबर माइनस किया गया है. 90, 80, 70, 60, 50, 50, 60, 70, 80, 90. इधर से भी चेक कर सकते हैं, इधर से भी चेक कर सकते हैं. ओके. सेकंड क्वेश्चन है 16, 24, 32 -. अब यहाँ पे आप लोग बताइए सीधी गिनती है या उल्टी गिनती है. वेरी गुड. सीधी गिनती से कंटिन्यू किया गया है नंबर ऑफ पैटर्न को. अब आप लोग को भी बताना है कि 16 में ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि 24 आ जाएगा. जब सीधी गिनती होती है तो नंबर ऐड किया जाता है और जब उल्टी गिनती होती है तो नंबर माइनस किया जाता है. 16 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 24 आ जाएगा? चलिए ऐड करते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 16 में 8 ऐड करें है तब आ रहा है 24. 24 में 8 ऐड करेंगे तो 32 आएगा. 32 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? चलिए ऐड करिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 32 में 8 को ऐड करें है तो आ रहा है 40. अब 40 में फिर 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. तो यहाँ पे 48 राइट कर देंगे. अब इसको रीड करेंगे और काउंट करेंगे 16, 24, 32, 40, 48, 48, 40, 32, 24, 16. समझ में आ रहा है आप लोग को? इसी तरीके से आप लोग को अपना होमवर्क सॉल्व करना था. ओके चिल्ड्रेन. तो चिल्ड्रेन मैंने आप लोग का होमवर्क यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. अब अपना आंसर हमारे आंसर से मैच करके देख लीजिएगा एकदम सेम टू सेम है कि नहीं. चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास वर्क पे. देखते हैं आज हम आप लोग को किस टॉपिक पे क्लास वर्क कराते हैं. ओके चिल्ड्रेन. सो चिल्ड्रेन जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि आज हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे. आज हम आप लोग को पैटर्न चैप्टर की ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे. तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है? क्लास वर्क मेंशन करना है. डेट डालना है 19/1/2021. हेडिंग डालना है ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को 2-2 नंबर्स का पैटर्न पढ़ाया था. आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी? आज मैं आप लोग को 3-3 नंबर्स का पैटर्न पढ़ाऊंगी और थोड़ा बिग नंबर में. ओके चलिए सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में इस तरीके से नीट एंड क्लीन वे में क्वेश्चन को राइट करना है फिर उसके बाद सॉल्व करना है. ओके चिल्ड्रेन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 116, 121, 126. अब यहाँ पे देखिए आप लोग 1, 2, 3 3 डैश है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स.
यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट थ्री नंबर्स को राइट करना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। पैटर्न की हेल्प से आप लोग को नेक्स्ट थ्री नंबर को राइट करना है, ओके। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग बताइए कि क्या हो रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग हो रहा है या नॉर्मल न्यूमरल्स में राइट है। वेरी गुड, नॉर्मल न्यूमरल्स में राइट है। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कितने कितने नंबर ऐड हो रहे हैं। 116 में ऐसा क्या नंबर ऐड किया गया है कि 121 आ रहा है। चलिए ऐड करते हैं, 117 118 119 120 121 116 में 5 ऐड करें हैं तब जाके आ रहा है 121। 121 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 126। अब 126 में फिर 5 ऐड करेंगे, 127 128 129 130 131। तो कितना आ रहा है चिल्ड्रन, 131। यहाँ पे 131 राइट करेंगे। अब 131 में फिर 5 ऐड करेंगे, 132 133 134 135 136। यहाँ पे आ रहा है 136 राइट करेंगे। अब 136 में फिर 5 ऐड करेंगे, 137 138 139 140 141। यहाँ पे आ रहा है 141। आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने नेक्स्ट थ्री नंबर्स को राइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। पहले वाले नंबर में 5-5 नंबर्स की गैपिंग हो रही है, मतलब एडिशन हो रहा है क्योंकि नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको रीड करेंगे, 116 121 126 131 136 141। 5-5 नंबर्स की एडिंग हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन है 155 152 149 -। अब आप लोग बताइए कि नंबर्स सीधी तरह लिखा गया है कि उल्टी तरफ लिखा गया है। वेरी गुड, उल्टी तरफ लिखा गया। तो क्या करेंगे, नंबर्स को यहाँ पे माइनस किया गया है। अब चलिए देखते हैं कितने कितने नंबर माइनस हो रहे हैं। 155 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि 152 आएगा। चलिए माइनस करिए, 154 153 152। मतलब 155 में 3 नंबर को माइनस किए हैं तब आ रहा है 152। 152 में फिर 3 को माइनस करेंगे, 151 150 149। यहाँ पे देखिए 149 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आप लोग को अब आगे कंटिन्यू करना है। 149 में फिर 3 माइनस करेंगे, 149 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 148 147 146। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 146। अब 146 में फिर 3 माइनस करेंगे, 145 144 143। अब यहाँ पे राइट करेंगे 143। 143 में फिर 3 माइनस करेंगे, 142 141 140। अब यहाँ पे राइट करेंगे 140। अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आंसर आप लोग का सही है या गलत है। 155 152 146 143 140। अब इधर से भी काउंट करेंगे, 140 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 141 142 143। यहाँ पे देखिए एकदम राइट। फिर 143 में 3 ऐड करेंगे, 144 145 146, एकदम राइट। फिर 146 में 3 ऐड करेंगे, 147 148 149, एकदम राइट। फिर 3 ऐड करेंगे 149 में, 150 151 152, एकदम राइट। फिर 152 में 3 को ऐड करेंगे, 153 154 155। इधर से ऐड हो रहा है, इधर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आया, आप लोग इधर से भी आंसर को चेक कर सकते हैं और इधर से भी आंसर को चेक कर सकते हैं, ओके चिल्ड्रन। थर्ड क्वेश्चन है 208 210 212 --। अब आप लोग ये बताइए कि नॉर्मल न्यूमरल्स लिखा है कि बैकवर्ड काउंटिंग लिखा है। वेरी गुड, नॉर्मल न्यूमरल्स में लिखा गया, मतलब नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा है।
तो अब देखेंगे कितने कितने नंबर की गैपिंग हो रही, मतलब कितने कितने नंबर ऐड किए गए हैं। 208 में ऐसे कौन से नंबर को ऐड करेंगे कि 210 होगा। चलिए ऐड करते हैं 209, 210, मतलब 208 में 2 को ऐड करें तब आ रहा है 210। 210 में फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 212। अब 212 में फिर 2 को ऐड करेंगे 213, 214। यहाँ पे ऐड करेंगे 214, 214 में फिर 2 ऐड करेंगे 215, 216। यहाँ पे ऐड करेंगे 216, 216 में फिर 2 ऐड करेंगे 217, 218। यहाँ पे ऐड करेंगे 218। अब आंसर को क्या करेंगे, रीड करेंगे 208, 210, 212, 214, 216, 218। कितने कितने नंबर की गैपिंग हो रही है, 2-2 नंबर की गैपिंग हो रही है, मतलब 2-2 नंबर ऐड किया गया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है 998, 996, 994 -, आप लोग बताइए सीधी गिनती लिखी गई है कि उल्टी गिनती लिखी गई है। वेरी गुड, यहाँ पे देखिए उल्टी गिनती लिखी गई है ना, तो क्या करेंगे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। 998 में ऐसे कौन से नंबर को माइनस किया गया है कि 996 आ रहा है। चलिए माइनस करिए 997, 996, 998 में 2 नंबर को माइनस किए, मतलब सब्ट्रैक्ट करें तब आ रहा है 996। 996 में फिर 2 माइनस करें हैं तो आ रहा है 994, मतलब कि यहाँ पे 2-2 नंबर को माइनस करना है। अब 994 में क्या करेंगे, 2 नंबर को फिर माइनस कर देंगे 993, 992, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 992। अब 992 में फिर 2 नंबर माइनस करेंगे 991, 990, अब यहाँ क्या राइट करेंगे 990, 990 में फिर 2 माइनस करेंगे 989, 988, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 988। अब इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे 998, 996, 994, 992, 990, 988। अब इधर से भी रीड करेंगे 988, 988 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 989, 990, एकदम करेक्ट है। अब 990 में फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 991, 992, एकदम करेक्ट है ना। इसी तरीके से आप लोग को भी चेक करना है। अब 992 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 993, 994, यहाँ पे देखिए राइट है ना। अब 994 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 995, 996, एकदम राइट है ना। 996 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 997, 998, ये देखिए। इधर से अगर आप लोग करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, इधर से आप लोग करेंगे तो एडिशन होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, इसी तरीके से आप लोग को पैटर्न को सॉल्व करना है और आंसर को चेक करना है। ओके चिल्ड्रेन, लास्ट क्वेश्चन है 170, 160, 150 --, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नंबर्स क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग में राइट है, तो आप लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 170 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस हुआ है कि 160 आ गया। 170 में 10 माइनस करेंगे तो आएगा 160, 160 में फिर 10 माइनस करेंगे तो आएगा 150, 150 में फिर 10 माइनस करेंगे तो आएगा 140, 140 में फिर 10 माइनस करेंगे तो आएगा 130, 130 में 10 माइनस करेंगे तो आएगा 120। यहाँ पे कितने कितने नंबर्स की गैपिंग हो रही है, यहाँ पे 10-10 नंबर्स की गैपिंग हो रही है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया। अब इसको चेक करेंगे 120, 130, 140, 150, 160, 170। इधर से रीड कर रहे हैं 10-10 नंबर ऐड हो रहा है, अब इधर से रीड करेंगे तो 10-10 नंबर माइनस होगा। 170, 160, 150, 140, 130, 120। ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का
द नेक्स्ट थ्री नंबर्स है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना था, यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट थ्री नंबर्स को राइट करना था। ये देखिए आप लोग ने राइट किया ना। इसी तरीके से जब आप लोग का एग्जाम में आएगा तो आप लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रन, आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते अपने होमवर्क पे, देखते हैं आज हम आप लोग को क्या होमवर्क देते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन जैसे कि मैंने अभी आप लोग को जिस टॉपिक पे क्लास वर्क कराया है उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में मेंशन करना है होमवर्क, डेट डालना है 19/1/2021, हेडिंग डालना है ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स को यहाँ पे फिल करना है। ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से नीट एंड क्लीन में पहले क्वेश्चन को राइट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। आप लोग सारे लोग अपने से सॉल्व करिएगा, जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाया है उसी तरीके से आप लोग घर में सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब आप लोग मुझसे कब पूछेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में पूछेंगे कि मैम ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही थी। ओके चिल्ड्रन, और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम क्लास सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। और पैटर्न चैप्टर को आप घर में पढ़िए, जिससे आप लोग को पैटर्न चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।